हिमाचल प्रदेश के सतलुज घाटी क्षेत्र में जांकड़ी और वायल गांव के बीच स्थित 412 मेगावाट के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र व हिमाचल सरकार के संयुक्त उपक्रम SJVN की इस परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 5 वर्ष में 10,000 मिलियन यूनिट बिजली तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे परियोजना द्वारा 4 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सतलुज घाटी क्षेत्र में झाकड़ी और ब्याल गांव के बीच स्थित 412 मेगावाट के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र व हिमाचल सरकार के संयुक्त उपकरण SJVN की इस परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 5 वर्ष में 10,000 मिलियन यूनिट बिजली तैयार करने का लक्ष्य दिया गया था, जिससे परियोजना द्वारा 4 वर्ष में ही पूरा कर लिया गया। रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ मशीनरी भी स्वदेशी है। हालांकि जेनरिक टेक्नोलॉजी होने के कारण लक्ष्य के हिसाब से विद्युत उत्पादन करना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन निगम प्रबंधन और अभियंताओं के कुशल प्रयास और दृढ़ निश्चय से यह संभव हो पाया है। इतना ही नहीं, इस परियोजना ने निर्माण के प्रथम वर्ष में ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिए गए विद्युत उत्पादन लक्ष्य को पूरा किया था। यह संभावित हाइड्रो सेक्टर की पहली परियोजना है जिसमें निर्माण वर्ष में ही डिजाइन एनर्जी के लक्ष्य को पूरा कर लिया था। ऐसे में SJVN की रामपुर परियोजना उत्तर भारत के राज्यों को बिजली आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन के प्रमुख सुरेश ठाकुर ने बताया कि 412 मेगावाट के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन की डिजाइन एनर्जी 1878 मिलियन यूनिट की है। परियोजना को 5 साल में 10,000 मिलियन यूनिट बिजली तैयार करनी थी, जो 4 वर्ष में ही पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ये परियोजना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी मशीनरी मेक इन इंडिया है और जेनरिक टेक्नोलॉजी है। इसमें लक्ष्य के हिसाब से बिजली तैयार करना मुश्किल रहता है। उन्होंने बताया कि ये परियोजना पहली परियोजना है जिसने निर्माण वर्ष में ही डिजाइन एनर्जी अचीव की है। रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने 30 जुलाई 2019 को 10,000 मिलियन यूनिट जो है उसका लक्ष्य अचीव किया है। इसकी इस प्रोजेक्ट की डिजाइन एनर्जी 1878 मिलियन यूनिट है और ये लगभग 5+ ईयर्स में अचीव होता है 10,000, लेकिन इसने ऑपरेशन के 4+ 4.5 साल के आसपास में अचीव कर लिया है लगभग, और 1 साल पहले इसने किया है ये। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्लांट जो है मेक इन इंडिया प्लांट है, टोटल टेक्नोलॉजी इसकी इंडियन है, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, और हमारा जो टेक्निकली जो मशीनिंग और जो क्वालिटी का स्तर होता है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के स्तर से थोड़ा कम होता है, और टीथिंग प्रॉब्लम प्लांट्स में बहुत ज्यादा आती है। जेनरिक प्लांट है लेकिन इसको हमारे इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत से इसको शुरू से ही इसको इसकी जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं इसको मेंटेन करके रखा, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट्स की, जिसके चलते इसने शुरू के फर्स्ट ईयर से ही अपनी डिजाइन एनर्जी उसको क्रॉस किया हर साल और क्रॉस करता आ रहा है, और इसने लगातार अपना जो एफिशिएंसी है 100% से ऊपर दर्ज की है।